सोचिए आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ड्यूटी पे एक कैंसर डॉक्टर है और आपके पास एक 25 साल की महिला आती है जो ट्रॉली पे है और चल भी नहीं सकती और स्कैन में दिखता है कि उसके पेट में ऊपर से नीचे तक कैंसर भरा हुआ है। आपको क्या लगता है इस महिला की जान बच सकती है और क्या एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकती है? तो दोस्तों आज हम आपको कैंसर सर्वाइवर सीरीज का सेकंड वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक पर क्लिक करके आप हमारे एक डॉक्टर पेशेंट के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने मात्र एक टैबलेट से 5 साल से ज्यादा लंग कैंसर स्टेज 4 में जिंदगी पाई। और आज के वीडियो में हम एक सेकेंड कैंसर सर्वाइवर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD&DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों पेशेंट जब हमारी ओपीडी में कैंसर का डायग्नोसिस लेके आते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या मेरी कंडीशन वाले आपने अन्य पेशेंट जो देखे हैं क्या वो सर्वाइवर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछने के बिहाइंड बहुत सारे रीजन है। पेशेंट जानना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा बियॉन्ड थ्योरी, पेशेंट जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली वो अपने एक्सपीरियंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही पेशेंट जानना चाहते हैं कि दूसरे पेशेंट इस कैंसर को बीट कर पाए या जीत पाए ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले कि वो अपनी फाइट में भी सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो इसी रीजन से हमने कैंसर सर्वाइवर सीरीज लॉन्च किया है जिसमें हम अपने कुछ कैंसर सर्वाइवर्स की स्टोरी आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कहानी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पहले की बात है। मैं उस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और इमरजेंसी ड्यूटी पे था और रात के टाइम पे अचानक हमें नोटिफिकेशन मिला कि एक पेशेंट, एक यंग लेडी इमरजेंसी में आई है जो कि ट्रॉली पे आई है, उन्हें चल फिर नहीं सकती और बहुत कमजोर कंडीशन में है। हमने जब जाके उस पेशेंट को देखा तो पेशेंट के बारे में हमें कई इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। तो ये 25 ईयर्स की लेडी थी जिनको लास्ट 2 महीने करीब से प्रोग्रेसिवली पेट के फूलने की कंप्लेंट थी और ग्रेजुअली पेट में इतना दर्द और इतना पानी और इतना घाटे भर गई थी कि वो पेशेंट लेडी चल भी नहीं सकती थी। इस लेडी को बाहर किसी हॉस्पिटल में एवेल्युएट किया गया था और उसके पेट की गांठ के टुकड़े की जांच कर ली गई थी जिसमें कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म किया गया था और लेडी का स्कैन में यह देखा गया था कि उनके पेट में ऊपर से लेके पेल्विस तक पूरा कैंसर की गांठें और कैंसर का फ्लूइड भरा हुआ था जिसकी वजह से लेडी परेशान थी। बाहर के पेशेंट ने लेडी को यह बताया था कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है और उनकी फैमिली पेशेंट को हमारे पास लेके आए थे, लेडी के साथ उनके हस्बैंड प्रेजेंट थे। तो ये कॉमन सिनेरियो है दोस्तों, कई डॉक्टर्स का आज के जमाने में भी मानना है कि स्टेज 4 कैंसर का कुछ नहीं हो सकता और कॉमनली पेशेंट्स को डेथ सेंटेंस देके भेज दिया जाता है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस लेडी के साथ आगे क्या हुआ। जब हमने इस लेडी की रिपोर्ट्स देखी तो हमें रियलाइज हुआ कि इस लेडी को एक बहुत ही स्पेशल तरह का कैंसर है जिसको हम लिम्फोमा यानी कि ब्लड कैंसर यानी लिम्फोसाइट सेल का कैंसर बोलते हैं और हमें रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको स्टेज 4 में भी क्योर कर सकते हैं। और हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि हर कैंसर का प्रोग्नोसिस सेम नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं जिनको हर स्टेज में क्योर किया जा सकता है। तो लिम्फोमा भी दोस्तों एक ऐसा कैंसर है जिसको चाहे स्टेज 1 हो या स्टेज 4 इसका क्योर पॉसिबल है। तो जब हमने लेडी की रिपोर्ट देखी तो हमें रियलाइज ये हुआ कि इस पेशेंट को बचाया जा सकता है और हमने हस्बैंड को बात ये डिस्क्लोज की कि इनका कैंसर, हालांकि अभी पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, इस पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं परंतु इसमें बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है और फैमिली को पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और हर कदम साथ रहना पड़ेगा जिसके लिए उनके हस्बैंड पूरी तरह रेडी थे। तो दोस्तों इसी से इनका इलाज शुरू हुआ। तो इनका इलाज का जो मेन कॉम्पोनेंट था वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट था। तो इनके केस में एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इनकी इस पेशेंट की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और ड्रग्स परचेज करने की उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे मैं और अन्य डॉक्टर जो मेरे यूनिट के थे, इनफैक्ट जो हमारा कैंसर डिस्पेंसरी है, जो कैंसर क्लिनिक का डे केयर या पुश सेंटर है, उधर पेशेंट के हस्बैंड को भेजा करते थे कि वो ड्रग्स उधर से उठा के लाए और यहाँ पे हम खुद रात को इन ड्रग्स को मिक्स करके उस लेडी को ये ड्रग्स चढ़ाया करते थे। और लकीली उस पेशेंट को फॉर्चुनेटली इन ड्रग्स से कोई टॉक्सिसिटी मेजर या साइड इफेक्ट नहीं हुआ एंड पेशेंट डिड वेरी वेल। इनफैक्ट बाय द टाइम पेशेंट के 2 साइकिल यानी 6 हफ्ते पूरे हो चुके थे, पेशेंट वॉज ऑलमोस्ट नॉर्मल, पेट अंदर जा चुका था एंड पेशेंट वॉज एबल टू वॉक एंड शी वॉज लुकिंग मच हेल्थियर।
इससे फैमिली को भी इंकरेजमेंट मिला और मेडिकल टीम को भी इंकरेजमेंट मिला एंड वी कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। हमने पेशेंट को 3 साइकिल देने के बाद जब पेशेंट का पेट स्कैन कराया तो 2 आवर सरप्राइज पेशेंट का स्कैन 100% क्लियर था और जो मल्टीपल ट्यूमर नोड्यूल और डिपॉजिट पूरे पेट में फैले हुए थे वो पूरी तरह क्लियर हो चुके थे एंड बड़ी खुशी के साथ हमने गुड न्यूज पेशेंट की फैमिली को दिया और सब्सिक्वेंटली पेशेंट को 3 साइकिल और देने के बाद रिपीट स्कैन में भी बीमारी बिल्कुल क्लियर है। अब कई लोग इस चीज से क्यूरियस हो गए कि इस पेशेंट को डॉक्टर साहब अब यदि आपने कीमोथेरेपी दी तो इनको क्या साइड इफेक्ट फेस करने पड़े और क्या परेशानी फेस करनी पड़ी। तो दोस्तों एक बहुत कॉमन मिथ ये है कि कीमोथेरेपी बहुत ही टॉक्सिक और इनटॉलरेबल थेरेपी है, परंतु हर कैंसर की कीमोथेरेपी सेम नहीं होती। कुछ कैंसर में हैवियर कीमोथेरेपी लगती है, कुछ कैंसर में लाइटर कीमोथेरेपी लगती है और कई कैंसर में कीमोथेरेपी लगती ही नहीं है। पेशेंट को हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी या नई टेक्नोलॉजी से ट्रीट करते हैं। तो फॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर पेशेंट में हमने क्या नोटिस किया कि उनको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुए। हमें जो एंटिसिपेशन था, हमें लगा था कि पेशेंट को मुंह में छाले हो सकते हैं, कब्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है और अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो पेशेंट को रिवर्सिबल हेयर लॉस हुआ था बट टू आवर हैप्पीनेस पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और बिना कोई और मेजर साइड इफेक्ट के पेशेंट ने अपनी कीमोथेरेपी कंप्लीट कर ली। जब कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई विद इन 3 वीक्स पेशेंट के बाल वापस आने लग गए थे और पेशेंट फिर से हेल्दी लगने लग गया। पेशेंट को जो हमने कीमोथेरेपी दी थी अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट का ट्यूमर का साइज बहुत बल्की था इसलिए कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी की जरूरत थी। हमें उस टाइम पेशेंट की फैमिली को ये अनफॉर्चुनेट न्यूज देना पड़ा कि जो रेडियोथेरेपी पेल्विस में होती है उससे हो सकता है कि उनकी जो ओवरीज है उनको परमानेंट डैमेज हो जाए और शायद वो फ्यूचर में कभी मां ना बन पाए। पर अनफॉर्चुनेटली ये थेरेपी पेशेंट के लिए अवॉर्डेबल नहीं थी और फैमिली और पेशेंट इस रिस्क को समझ के उस थेरेपी के फेवर में ही रहे, तो इसलिए हमने पेशेंट को इस थेरेपी का भी फायदा दिया। बट आफ्टर दिस पेशेंट को हम रेगुलरली 3 मंथली फॉलोअप पे रखते थे। दोस्तों 2 आवर सरप्राइज एंड टू एवरीबॉडी सरप्राइज पेशेंट डिड फैंटास्टिक। पेशेंट का बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत ही अच्छा लंबा सर्वाइवल रहा और किसी भी फॉलोअप पे पेशेंट ने बीमारी का एक अंश या एक सर भी नहीं दिखाया और हर फॉलोअप पे पेशेंट हेल्दी और हैप्पी हमसे मिलने आते थे। इनफैक्ट ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ इस कहानी को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज के दिन ये पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल है, हैप्पी है और हेल्दी है। और इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले की बात है कि इन पेशेंट ने हमें एक सरप्राइज दिया और उन्होंने अपने बेटी के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो हमें भेजा जो हमें बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लगा कि पेशेंट किस तरह से अपने नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न कर चुके हैं स्टेज 4 कैंसर को बीट करके कि वो ना सिर्फ एक बच्चा कर सके बट एक कम्प्लीटली नॉर्मल हेल्दी फैमिली एंड सोशल लाइफ जी रहे। और आज के दिन ये पेशेंट ऑफिशियली एक कैंसर सर्वाइवर है जो कि कम्प्लीटली कैंसर फ्री और नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो दोस्तों इस वीडियो से मेरा मैसेज क्या है, पर्पस क्या है इस सीरीज का और ये वीडियो आपको प्रेजेंट करने का, ये है नंबर 1 कैंसर एक क्योरेबल बीमारी है। खासकर जो पेशेंट अर्ली स्टेज में पकड़े जाए उनमें डेफिनेटली कैंसर एक क्योरेबल डिजीज है, पर जो पेशेंट एडवांस या स्टेज 4 में पकड़े जाए उनको भी हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसकी बीमारी इनक्योरेबल है। लगभग हर स्टेज में बीमारी को किसी तरह से कंट्रोल या किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है और कुछ पेशेंट में बीमारी को स्टेज 4 में भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। वो पेशेंट जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं है उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी से पेशेंट को बहुत ही लॉन्ग और हैप्पी और हेल्दी लाइफ दी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो पेशेंट को हताश नहीं होना चाहिए, उनको हैप्पी रहना चाहिए। नंबर 2 मैसेज मैं ये करना चाहता हूँ कि कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ एनी पेशेंट, जबकि ये एक शुरुआत है, ये एक फाइट है जो शॉर्ट टर्म लास्ट करती है, परंतु उसके बाद पेशेंट का रिटर्न कंप्लीट टू द नॉर्मल लाइफ एंड आई वांट टू गिव दिस मैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस टू एवरी कैंसर पेशेंट। दोस्तों आज कैंसर सर्वाइवल स्टोरीज की 2nd कड़ी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल पर फ्रीक्वेंट वीडियो कॉल्स होते रहते हैं जिसमें हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि उनको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए वो खुद वोट करके सिलेक्ट करें और हमारे पिछले कॉल में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने यही वीडियो के लिए ऑप्ट किया, इसलिए हम आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट्स में या नीचे दिए हुए सोशल मीडिया लिंक से आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आपको और वीडियो लेके आए। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में अंडर अप्रिशिएटेड है। कैंसर एक
कैंसर को लोग एक मिस्ट्री समझते हैं और कैंसर पेशेंट को कई बार वो सपोर्ट और हेल्प नहीं मिल पाती जो पेशेंट को मिलनी चाहिए। तो हमारा एक मिशन है कि इंडिया के हर कैंसर पेशेंट को उस तरह का ट्रीटमेंट मिले जो उसको वर्ल्ड के बेस्ट पॉसिबल सेंटर में मिले, जो लेटेस्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट है हर कैंसर पेशेंट को, उसके बारे में जानकारी मिले और उसका एक्सेस मिले। तो यदि इस गोल में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड या अनरिलेटेड आपको कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन या अपनी रिपोर्ट को दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।